रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। आज आपको एक अलौकिक दुनिया में ले जा रहे हैं। बहुत ही शानदार नज़ारे, पर्वतीय नज़ारे वैसे भी शानदार होते हैं। और आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो बताना है, और मैं हिंट भी दूंगा कि यह लोकेशन कौन सी है। यह तो है क्वेश्चन, और हिंट यह है कि आपने एक गाना सुना होगा, हिमाचली गाना है, चंबा कितनी दूर है। तो वो गाना है, उससे चंबा से ये 65 किलोमीटर दूर है। तो आप अनुमान लगाइए कि ये कौन सी लोकेशन है। इस चैनल के माध्यम से आपको दुर्गम से दुर्गम और सुरम्य वादियों का मनोहारी दृश्य आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। तो चैनल पर ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप नए हैं, और इसको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। और वीडियो आगे बहुत ही सुंदर होने वाला है, इसके साथ चलते चलिएगा। और जो पर्वत है वो बादलों के अंदर घिरा हुआ है और बारिश हो रही है, इससे जो दृश्य है वह और भी सुंदर बन पा रहा है। अब तो आपके दिमाग में नाम याद आ गया होगा, नहीं तो हम बता देते हैं। तो यह भरमौर क्षेत्र है जो शिवभूमि, शिवनगरी के नाम से भी जाना जाता है। और मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर से ऊपर की ओर भरमाणी माता, जिसके नाम पर भरमौर का नाम पड़ा बताया जाता है, तो वहाँ के आपको हम दीदार करवाते हैं। और बहुत ही शानदार नज़ारा, और इससे संबंधित आध्यात्मिक जानकारी का मैं एक वीडियो पहले अपलोड किया है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डालने का प्रयास करूँगा। और यहाँ के नज़ारे बहुत ही शानदार है, और आप यहाँ के वातावरण का इस नवरात्रा पर आनंद लीजिए। सर माता जी के बारे में कुछ ब्रह्मचारिणी माता नव दुर्गा इनका जो स्वरूप आता है। तेज बोले, तेज बोलो। ये नव दुर्गा है, नव दुर्गा में इनका दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है।
ब्रह्मानी बोलते हैं। और इनका मेला कब लगता है? मेला इनका जन्माष्टमी से। जन्माष्टमी से राधाष्टमी।